यहाँ खतरा है, यहाँ से चली जाओ। बाहर जाना है आपको? मैं आपको लेके जाऊं? आप क्या कहना चाहती हैं? इस दिलशाद ने तो मेरा जीना हराम करके रखा हुआ। जब देखो नया नाटक। अरे मैं कुछ लाके दूं? यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा था ना कमरे से बाहर नहीं निकलना। अरे ये कोई खाला जान का बगीचा है जो घूमने निकल आई? कैसे बात कर रही है? कौन है ये? चचेरी बहन है मेरी, गूंगी है, बोल नहीं सकती और हाथ पैर से और लाचार है बेचारी। मैं ही हूँ इसकी, जो हूँ मैं ही संभालती हूँ इसे। तुम संभालोगी पान की दुकान? तुम तो अपने मतलब के बिना किसी मरते के मुंह में पानी ना डालो। ऐसी अच्छी बातें ना तुम्हारे मुंह से बहुत नकली लगती हैं। मत बोला करो। मानना पड़ेगा ना, उड़ती चिड़िया के पर गिनना तुम भी खूब जानती हो। वैसे मैं तुम्हें इस घर में मेरी तारीफ में कसीदे पढ़ने के लिए नहीं लाई। तुम यहां काम करने आई हो और काम करो बस। और एक बात और, किसी से दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। आप किसी बात की फिक्र मत कीजिएगा। ये बुढ़िया तंग करेगी तो मुझे बताइएगा, मैं सब देख लूंगी। और देखिएगा, बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे। फिर बोलने लगेंगी तो शायद मैं आपकी हर बात समझ जाऊं। हैप्पी दिवाली। दिवाली मुबारक उसे है। और तो क्या नाटक, अपने काम पे ध्यान दो। इधर उधर पूरे घर में पता नहीं क्या क्या। क्या हो गया है मुझे? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? इस औरत को देख के ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे मैं इन्हें जानती हूँ? अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है? निहान बेटा, तुमने हमेशा हमें गलत समझा है। एक माँ के दिल की रोशनी उसके बच्चों की खुशियों से होती, पर अगर वो माँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुछ करती है तो इसमें गलत क्या? कुछ नहीं, आपने मुझे दिवाली के लिए तोहफा दिया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। दिवाली में हम सबको विश करते हैं कि उनकी दिल की दुआएं कबूल हो, तो अल्लाह करे कि जो भी आपने दिल से मांगा है वो आपको मिल जाए। रेहान, हमारी बात सुन। रेहान, रेहान तुमने अभी दुनिया देखी नहीं, इसीलिए अभी तुम्हें चीजों की अहमियत नहीं। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी दुनिया पैसों की रोशनी से रोशन होगी, तब तुम्हें हर रोशनी फीकी लगेगी। और ये दिवाली के दिन एक माँ का वादा है तुमसे। या तुम भी ना, ऐसे कैसे पटाखे चला रही थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो संभालना चाहिए ना खुद को।
पी लो, पानी पी लो। तुम ठीक हो ना अभी? मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हाँ जरूर, तुम एक काम करो, तुम अच्छे से आराम कर लो। किसी भी चीज की तकलीफ हो मुझे बताना। भैया तुम गलत सोच रही हो। वो क्या हुआ था कि तुम्हारे कुर्ते में ये मेरा ब्रेसलेट फंस गया था। मैं बस उसे निकालने की कोशिश करता और कुछ। बस मुझे कोई और बात नहीं सुननी, आप जाइए यहाँ से। ओके रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मैं जा रहा हूँ। आपके हाथ को क्या हो गया? कुछ खास नहीं, वो बस बाहर तुम्हें बचाते हुए जरा सा हाथ में लग गया। या अल्लाह, मेरी वजह से फैज का हाथ जल गया। अगर राहत को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। आज मुझे फिर से यकीन हो गया कि तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई है, वरना मेरे दर्द में तुम्हारी आंखें नम नहीं होती।
एक बात तो है, आज तक जिंदगी में तुम कभी इतनी खूबसूरत नहीं लगी होगी। क्या निखर के रूप आ रहा है, नहीं गालो? लड्डू जिंदगी में इतना काम नहीं किया ना तुमने, शकल पे लिखा है मुफ्त खोरो। चलो खैर कोई बात, अब मैं आ गई हूं ना, अब तुम्हें जिंदगी में काम करने के बहुत बहुत गर्मी लग रही है। कोई बात नहीं, मैं हवा करती हूँ। नीचे छुपो, नीचे छुपो मनहूसो, नीचे छुपो, नीचे छुपो। आहिल, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये तुम कौन सा नया गेम खेल रही हो मेरे साथ? गेम? हाँ, ये हाइड एंड सीक वाला गेम। कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें, व्हाट हैव यू बीन? मैं लड्डू बना रही थी, देखिए कितने लड्डू बनाए। इतनी मेहनत का काम है। रियली बहुत मेहनत का काम है। जितनी मेहनत से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो। फॉरगेट द लड्डूस और चलो मेरे साथ। कहाँ? इतना भी विश्वास नहीं। क्या? घूमो। ये क्या? Keep quiet. ये क्या? कुछ क्या करने वाले? क्यों आहिल? आहिल लेकिन सनम प्लीज। आहिल क्यों बांध रहे ऐसे? क्या? लेकिन क्यों? इतना भी भरोसा नहीं मुझ पर? है ना? है? Yes or no? Let's go. आहिल, आहिल। Are you ready? आहिल, come on. आहिल। देखा? नहीं देखा? अरे मैं तो छिपा हुआ था। आहिल ने नहीं देखा? वो? अरे मेरा मतलब है कि देखा तुमने कैसे दोनों पर उसका रंग चढ़ रहा है? अरे ये होली नहीं है, रंग नहीं लगाते, दिए जलाते हैं। ओह, अरे मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अरे उसका रंग वो जो तुम मुझसे करते हो। नफरत? नफरत करते हो मुझसे? पागल हो क्या? अरे मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत? देखा तुमने कैसे दोनों पर मोहब्बत का रंग चढ़ रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो इस जायदाद को उसका तीसरा वारिस मिल जाएगा। चुप रहो। पर आहिल, सनम, गिव मी अ सेकंड। आहिल, गिव मी अ सेकंड। आज दिवाली है और मेरी पहली दिवाली तुम्हारे साथ, और आज मैं तुम्हारे साथ एक इस दिवाली पर एक विश मांगना चाहता हूं। स्काई लैंटर्न के थ्रू मैं चाहता हूं कि हम ये स्काई लैंटर्न जलाकर पुरानी सारी बुरी यादें भूल जाएं। Are you with me?
देखो सना, मैं जानता हूँ कि पुरानी यादें भूलना आसान नहीं होता, बच्चे नवा, आज दिवाली के दिन मैं ये दुआ करता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी की वो हर बुरी हकीकत भुला दो जो तुमने जी, जो सही होने के बावजूद भी तुम्हारे साथ गलत हुआ। बोला था मैंने तुम्हें कि मुझे झूठ से नफरत है। ये लड़की चोर है, ठग है, बहुत सारे चोरी और ठगी के मामले हैं इनके ऊपर। तुम वो सब भुला दो जब हमने कभी सोचा भी था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। सनम, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि शायद ही कोई किसे करता होगा। आई लव यू सो मच। आई लव यू सुनहरी, आई लव यू सुनहरी, आई लव यू सुनहरी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और ये इस नए सफर की शुरुआत के लिए। पकड़ो इसे, बोल दे सना। प्लीज कर रही हूं, ये हक सिर्फ सनम का है। क्या हुआ सनम, तुम क्या सोचते हो? क्या हुआ, क्या सनम? हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली सर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं सनम, और हम कभी जुदा नहीं होंगे। दैट्स अ प्रॉमिस। आई लव यू, आई लव यू।
I love you, sir. I love you, Ahil. I love you, Ahil.